सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तरुणा पब्लिकेशंस में। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि द क्लास ऑफ मैथ इज ऑन तरुणा पब्लिकेशन फ्रॉम टुडे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सुना आपने, आज से स्पेशल क्लास आर्मी की मैथ स्पेशल क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, आर्मी की भर्ती आती रहती है, हर बहुत आती है आर्मी की भर्ती। तो जो मैथ्स रहेगी आर्मी की, आज से हम वो स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे नोट्स क्रिएट करेंगे। जो भी आपका मैथ का जो डर है दिमाग में, वो सभी आज से मैं गारंटी लूंगा कि आपका डर खत्म करूंगा। फिर चाहे क्वेश्चंस में आने वाला सबसे बड़ा डर होता है एक्स का, किसी भी प्रकार का जब भी एक्स आता है तो माइंड में क्या घूमता है, एक्स के कारण एक डर आता है दिमाग में, वो मैं खत्म करूंगा गारंटी के साथ। और दूसरी चीज जो आती है कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन जो भी होती है, कैलकुलेशन से भी एक माइंड में डर होता है, बट मैं आपकी कैलकुलेशन इस हिसाब से कर दूंगा कि आप ग्राउंड में फिजिकल करते हुए भी आप कैलकुलेशन आराम से कर सकोगे बिना सोचे समझे। तीसरी चीज आती है क्वेश्चंस के अंदर जो भी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं भाषा संबंधी, कि भाषा को घुमाया जाता है, भाषा से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं गारंटी के साथ आपके स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है, नेवर माइंड। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आर्मी के स्टूडेंट जो होते हैं वो लगभग क्या करते हैं कि वो साइंस जीके तो पढ़ लेते हैं अच्छे से, मोस्टली बता रहा हूं मैं, सबकी नहीं बता रहा, लेकिन जब मैथ की बारी आती है तो थोड़ा सा एक झिझक डर होता है, उसी डर को मैं खत्म करने आज से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। उससे पहले एक शर्त रहेगी कि जब भी आप मेरी क्लास लो तो एक रजिस्टर और एक पेन के साथ बैठना क्लास लेने, और उससे क्या होगा कि क्लास के अंदर जो भी मैं नोट्स क्रिएट कराऊं, जो भी मैं नोट पॉइंट करवाऊं, उनको आप अच्छे से करना, एक हर फ्लो चार्ट बनाऊंगा हर चीज से समझने का तरीका, ठीक है, उस हिसाब से हम बेस करेंगे। फिर बात आएगी कि हम स्टार्टिंग के जो क्लासेस रहेंगी वो अपने कैलकुलेशन बेस में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मैथ्स की नींव रखेंगे, इस हिसाब से करेंगे, फिर आपको एडवांस और जो अर्थमेटिक है अलग अलग पार्ट के साथ करेंगे। तो इसी के साथ हम आज से स्टार्ट करते हैं मैथ्स। तो मैं सबसे पहले आपको लेके जाना चाहूंगा जहां से मैथ स्टार्ट होती है। मैथ्स कहां होती है? मैथ्स का पता क्या चलता है कि संख्या दिखती है उनको, 0, 2, 5, 6, 20 रूट में ये है, बहुत सी संख्या इस प्रकार दिखती है और उससे हमें पता चलता है मैथ्स। तो वहां से स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले लेके जाना चाहूंगा नंबरों की दुनिया में। तो चलिए देखते हैं कि नंबरों की दुनिया के अंदर नंबर्स कहां, कैसे, क्या आए। आपने बहुत बार सुना होगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, आता सबको है, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये चीज समझाने यहाँ पे इसलिए आया हूं कि इनका जो कंफ्यूजन होता है, जहां मतलब पूर्ण और पूर्णांक में अंतर करना थोड़ा सा, प्राकृतिक संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसी कारण कंफ्यूजन होता है। बट मैं आपको इस तरीके से एक पोइम की तरह वो क्वेश्चन जो वो नंबर्स हैं वो सारे अलग अलग करके इसमें डिफाइन करेंगे, जिससे वो सारे कंफ्यूजन जो है दूर होंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट में भी आपको बनाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले मेरी बात सुनो कि सबसे पहली चीज प्रकृति, सबसे पहली चीज होगी प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति मतलब प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति जब भी स्टार्ट हुई थी, जब भी इंसान ने अगर कोई चीज को गिनना शुरू किया था तो 0, 1, 2 ऐसे तो नहीं किया होगा। सबसे पहले उसने देखा कि ये चीज है एक, कहा एक, उसमें एक और जोड़ा, दूसरी दिखी तो उसने कह दिया 2, 3, ठीक, इस तो मतलब इस प्रकार से संख्या स्टार्ट हुई। मतलब प्रकृति से जो संख्या मिली थी वो क्या थी? प्राकृतिक संख्या है। और वो कहां से स्टार्ट हुई थी? एक से लेकर अनंत तक। इसका मतलब प्राकृतिक जो संख्याएं होती है वो एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। फिर आप सभी को पता है कि 0 जो है भारत ने दिया, भारत ने 0 दिया, उससे पहले अगर मैं बोलूं कि 0 नहीं है तो आप लिखो कि 1005 लिखो, कैसे लिखोगे? 0 के बिना नहीं लिख सकते, लेकिन 1005 संख्या पूर्ण हुई। मैं कहता हूं 20 लिखो, बिना 0 के क्या लिखोगे? मतलब संख्या परिपूर्ण नहीं थी, बट जब भारत ने 0 दिया, 0 आने के बाद ही संख्या पूर्ण हुई। तो हम कह सकते हैं आराम से कि पूर्ण संख्या वह होती है जब 0 उसमें शामिल होता है। तो प्राकृतिक संख्या तो हमारे पास थी, बट उसमें जब 0 शामिल हुआ, 0, 1, 2, 3 करके अनंत तक हम जाते हैं, तो
वह संख्याएं बनी पूर्ण संख्याएं, इनको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। आराम से समझना, बताने का मतलब यह है इन चीजों का कि जो कंफ्यूजन रहता है वो दूर हो जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आई, पूर्ण संख्या आने के बाद, पूर्ण संख्या आने के बाद हमने क्या किया, चीजों को इस तरीके से समझा कि पूर्ण संख्या है। फिर हमने इन संख्याओं के अंदर से कुछ ऐसी संख्याएं ली जिसमें दो का भाग जाता है, कुछ संख्या इसमें ली कि दो का भाग नहीं जाता है, हमने उनको सम कहा, विषम कहा, उन्हीं में से हमने अभाज्य संख्याएं निकाली, उनमें से भाज्य संख्याएं निकाली, उन सबके अलग अलग रूल के हिसाब से संख्याएं निकाली। तो फिर हमने इसमें से निकाला सम संख्या। ठीक है, हम कहते हैं जिसमें दो का भाग जाता है वह सम संख्या, तो वह कहीं और से तो नहीं आई, यहीं से निकल के जो है जिसमें भी दो का पूरा पूरा भाग जाता है उसने हमने क्या कह दिया, वो सम संख्या है। मतलब दो चार छह आठ जिसमें भी दो का पूरा जाता है सम संख्या है। इसी में से हमने विषम संख्या भी निकाली, विषम संख्या, ठीक है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता, तीन पांच सात इस प्रकार से अनंत तक, ये संख्याएं अलग थोड़ी ना है, इन्हीं में से निकाली गई चीजें हैं। फिर हमने भाज्य संख्याएं बनाई, अभाज्य संख्याएं बनाई, ये किस बेस पर बनाई, भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कैसे बनाई, वह संख्या जिसमें खुद का और एक का सिर्फ दो चीजों का भाग जाता है वह अभाज्य संख्या होती है, और इसके अलावा जिसका भी भाग चला जाता है वह भाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये देखो कि जैसे कि मैं बात करूं चार की, चार में एक का जाता है, दो का जाता है, चार का खुद का जाता है, मतलब एक से ज्यादा और खुद से अलग गया भाग चार है, छह है, आठ है, इस प्रकार से अनंत तक। फिर आती है अभाज्य संख्या, जिसके मतलब दो ही गुणनखंड हो, मतलब जिस वह संख्या जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक का, स्वयं का और एक का भाग जाता है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि दो है, तीन है, पांच, सात, इस प्रकार तेरह, अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन एक चीज क्या रही कि है जो चीज, वो चीज मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, दो। अब देखो एक जो संख्या है इसमें भी नहीं है, एक इसमें भी नहीं है, लेकिन संख्या तो एक होती है, हमने पढ़ा है। तो संख्या न तो एक जो है वो न तो भाज्य है न अभाज्य है, ये एक नोट करवा, नोट अलग से डाल लेना इसी के अंदर, एक जो है न अभाज्य है न भाज्य है, इनमें दोनों में से कुछ नहीं है, ये एक ध्यान रखने की चीज है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर जो आती है परिमेय संख्या हमने निकाली, परिमेय संख्या है वह संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह शर्त पर एक शर्त है, याद अलग से समझाता हूं उस चीज को मैं, परिमेय संख्या को वह संख्या जिसके जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट शर्त क्या होनी चाहिए, क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नॉलेज की बात है जब भी किसी संख्या के अगर x के अंदर मैं भाग देता हूं जीरो का तो वह संख्या क्या होती है, अनंत हो जाती है, इसका मतलब उस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो हम हर एक चीज पहचानना सिखाऊंगा कि परिमेय संख्या को हम पहचाने कैसे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, हम पहचानते कैसे हैं इस चीज को कि जब भी कोई संख्या है उसमें इसके दो से तीन रूल मैं बताता हूं, जब भी आप किसी भी संख्या को देखोगे तो आप पहचान लोगे कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो सबसे पहला ये देखो कि अगर मैं संख्या लूं 25, उसमें भाग दिया 4 का, आप देख के देखो भाग, ठीक है, तो 6 चौक 24, ठीक है, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया मैंने, 1 बचने के बाद पॉइंट लगाया 10, तो 4 दूनी 8, फिर 5, इसका मतलब पूरा पूरा चला गया, कुछ भी संख्या रिपीट नहीं हुई, पूरा पूरा चला गया। ठीक है, आराम से पॉइंट जरूर आया लेकिन पूरा पूरा चला गया, आगे जो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं हुई। अगर ऐसी कोई संख्या है तो हम कह सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या। या दूसरी बात
ये हो सकती है कि भागफल जो है कुछ इस हिसाब से आ सकता है, 5.3333 संख्या रिपीट होती जाती है, ठीक है, रिपीट इस हिसाब से भी हो सकती है एक संख्या, या फिर देखो दो डिजिट तीन डिजिट के हिसाब से, जैसे कि कोई भी दो, जैसे 7.213 आया पॉइंट के बाद, फिर वापस स्टार्ट हो गया 213, फिर वापस स्टार्ट हो गया 213, मतलब संख्या तो रिपीट हो रही है बट तीन तीन के जोड़े के अंदर रिपीट हो रही है, हो रही है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखो, ठीक है, जैसे ये चीज तीन जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये चीज हम देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको परिमेय संख्या की तीन पहचान बता दी, देखते ही आसानी से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये परिमेय संख्या है, जैसे पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भाग देने पर कोई संख्या है वो पूरा पूरा जा रहा है, मतलब डिजिट आगे रिपीट नहीं हो रही है, तो जो तो वह भी परिमेय संख्या है, या फिर हम बात करें कि वही संख्या पूरी रिपीट होती जा रही है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी इस हिसाब से। और देखो जो बार का सिस्टम, आपको एक अलग से बातें जो बता रहा हूँ ये नोट करते रहना, ये एकदम, हालांकि हम इन पर डिटेल स्टडी करेंगे, बोर्ड मास्टर जी नेम पढ़ेंगे उनमें करेंगे, फिर भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये जो संख्या है 5.33 वाली, इसको मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता, क्या ये बताओ, 5.3 के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ, बार उसी चीज पे लगता है जो चीज रिपीट होती है, ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जैसे इसकी बात करूं तो ये तीन डिजिट, ये जो है 2113 ये रिपीट हो रही है, तो मैं इसके ऊपर ये लगा सकता हूँ 7.213, और मैं इसके ऊपर बार बार लिखने में जाए इस पर बार लगा दूंगा, ठीक है, तो आगे मेरे को ये संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका मीन्स एक ही होता है। अब बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्या की, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या क्या हो गई, जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और जैसे जीरो जो है एक वह भी परिमेय संख्या होती है, 22/7 जो है परिमेय संख्या होगी, 22/7 को अपन पाई भी बोलते हैं, बट पाई जो है वह अपरिमेय संख्या में आएगा, और क्यों आएगा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या, तो अगर थोड़ी सी सीधा ही डेफिनेशन दे, जो परिमेय संख्या नहीं होती वह अपरिमेय संख्या होती है, बट समझने के लिए अगर मैं बताऊं अपरिमेय संख्या, तो मैंने आपको क्या बताया, परिमेय संख्या वह होती है जो रिपीट होती है, जैसे मैंने आपको ये बताया आगे कितने भी डिजिट जा सकती है, बट अपरिमेय संख्या में क्या होगा, कुछ भी रिपीट नहीं होगा, जैसे 5 पॉइंट के बाद में स्टार्ट हो गया 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 7 8 4 3 2, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है सीक्वेंस के अंदर, दो तो आप बोलोगे कि दो रिपीट हो रही है, हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको अपन बार नहीं लगा सकते कहीं पे भी, इसका मतलब ये जो क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, या फिर बात करें जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, जैसे कि रूट थ्री है, अगर रूट थ्री का मैं मान निकालूंगा तो इसी तरीके से निकल के आएगा पॉइंट के अंदर अनरिपीटेबल में, ठीक है, बट और जैसे कि रूट फाइव है, पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, जितनी भी जो ये रूट क्या संख्या है, बट वो संख्या है जिनका रूट नहीं निकलता। अब आप बोलोगे कि रूट चार जो है ये क्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो देखो ये जो है परिमेय संख्या नहीं, ये जो है अपरिमेय संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनका जो क्या है रूट जो है पूरा पूरा दो आ जाता है, दो के स्क्वायर, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या में नहीं परिमेय में छोड़ेंगे। तो ये थी हमारी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, जैसे कि रूट वाली पूरी, रूट दो तीन है, रूट पांच है, रूट सेवन है, और एक पाई जो है पाई वह भी अपरिमेय संख्या में आता है। क्यों आता है पाई, आप बोलोगे कि 22/7 ही तो है जो है वह एक परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या क्यों आता है, क्योंकि इसमें भाग देने के बाद 3.414 तो लिखते हैं बट ये रिपीटेबल चलता जाता है, आगे भी इसमें संख्या आती है, इस हिसाब से रिपीट नहीं होता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाती है जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करें पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या में पढ़ ली, सॉरी पूर्णांक संख्या की, पूर्णांक क्या होते हैं, तो देखो कोई भी चीज है
जैसे कि मेरे पास कुछ चीज आई, मेरे पास ये मार्कर था, फिर मेरे पास एक और मार्कर आ गया, ऐसे करते करते रोज मैं यहां से एक मार्कर लेकर जाऊंगा तो घर पे क्या होगा, मेरे पास मार्कर इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास चीजें आ रही है, इसका मतलब जुड़ती जा रही है। तो जो क्या है, पूर्णांक जो होते हैं मतलब जुड़ती जा रही है, तो मैंने चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए मार्कर, मैं वापस एक एक मार्कर लाना स्टार्ट करूंगा, मतलब वापस चीजें जाना स्टार्ट हो रही है। तो पूर्णांक को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जीरो, अब मैं बता रहा था चीजें आ रही है मेरे पास, मतलब जुड़ती जा रही है, एक से तीन, तीन से अनंत तक, और चीजें मेरे पास वापस जा रही है मेरे से, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, अनंत तक। मतलब की बात यह है कि चीजें आ रहा है मतलब जुड़ना, हम इंटीजर जिसको बोलते हैं, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और जीरो, तीनों मिलाकर जो चीजें होती हैं उनको हम पूर्णांक बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मैंने और जेड, इसको क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। अब देखो माइनस वाला जितने भी पूर्णांक है उसको ऋणात्मक है, इसलिए जेड नेगेटिव से डिनोट कर देंगे। एक से जो पॉजिटिव वाली है उसको हम जेड प्लस से डिनोट कर देंगे। ये बात रही पूर्णांक की। अब देखो मार्कर की बात चलते चलते मार्कर मार्कर हो गए आज, ठीक है। अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बच गया, वास्तविक संख्या। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, सारी जो है वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये जो सभी चीजें हैं ये सारी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। बस वास्तविक संख्या का ये था। अब ये चीजें मैंने इसलिए बताई है, छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए बताए हैं, मार्कर वाले, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक चीजों की बातें इसलिए बताया ताकि आपको ये याद रहे, जो वो कंफ्यूजन होता है कि कौन सी नंबर कौन सा होगा, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसलिए होता है। बट अब मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्टर के अंदर उसको नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको याद करना है और वो एक नोट बना के रखना है। तो देखो मैं बनाते हैं नोट यहाँ पर, नोट फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग वो आप अच्छे से रजिस्टर में, आज पहली क्लास है, अच्छे से पहले पेज पर वह फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए। कभी भी नंबरों के लिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर है अभी भी कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पहली क्लास है, आगे ऐसी क्लासे आपको मिलती रहेंगी। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी सीखा है उसका सारा निचोड़ जो है एक ही पेज के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। वो चीजें समझने के लिए थी, ये चीजें नोट करने के लिए है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो थैला है उसके अंदर सभी चीजें भरी हुई है, सभी प्रकार की संख्याएं हैं, वो समझने के लिए मुश्किल थी, इसीलिए मैंने आपको थोड़े छोटे एग्जाम्पल दिए जो जिससे मतलब समझ में आया जल्दी। वो एक थैला भरा हुआ था नंबरों से, उसमें से अलग अलग नंबरों को निकाला गया, अलग अलग हिसाब से उनको डिफाइन किया गया, कुछ की अलग क्वालिटी थी, कुछ को अलग क्वालिटी थी, इसलिए उनको सभी को अलग अलग डेफिनेशन दी गई, ठीक है। तो आप ये फ्लो चार्ट जो है एक रजिस्टर के अंदर अपने नोट कर लीजिए। इससे पहले सेमेस्टर संख्या, मैंने आपको जो भी पढ़ाया था अभी तक वो सारी ये संख्याएं थी, ठीक है। इन सबका जो वो ठेला था भरा हुआ एक सारा, वो एक कहलाता है सम्मिश्र संख्या, मतलब जो भी जितनी भी संख्याएं हैं वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। फिर ये देखो कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया था, फिर एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में हमने चर्चा नहीं की क्योंकि काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं आती, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आइटा वाली जो होती है, रूट के अंदर माइनस वन जो आइटा होता है, आइटा वाली जो संख्याएं होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती है, इमेज की हुई होती है, इमेजिनरी होती है वो चीजें, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं थी, बट आपको चार्ट के अंदर ही रखना है क्योंकि है तो पार्टी सम्मिश्र संख्या का, ठीक है। अब इसको छोड़कर हम बात कर रहे थे इसकी सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। जो भी देखो मैंने आपको कहा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सारी मिलकर वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। फिर ये दो प्रकार से होती है, परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या। मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि परिमेय संख्या को किस तरह से देखते हैं, अपरिमेय को किस तरह से देखते हैं, तो आप दोनों इस हिसाब से नोट कर लीजिए। फिर मैंने इसके एग्जांपल भी बताया, जैसे इसको पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, शर्त याद रहना चाहिए। इसके दो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे जीरो है वो मोस्ट है, जीरो को ऐसा याद रखना है कि जीरो जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया पुनरावृत्ति, मतलब ये क्या हिंट रहेगी आप जब भी पढ़ोगे इस नोट्स के अंदर कि भाई हाँ डेसिमल के बाद में, जैसे ये है डेसिमल के बाद में पुनरावृत्ति होती है डिजिट की, वापस डिजिट आती रहती है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। रही बात अपरिमेय संख्या की, अगर सिंपल सी डेफिनेशन दें इसकी, तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती वह अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरी बात, ये जो रूट है जिनका रूट स्क्वायर पूरा पूरा नहीं निकलता वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि ये एग्जांपल के साथ ध्यान आपको रखने की चीज है पाई, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं परिमेय जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार से होती हैं, पूर्णांक और भिन्न संख्याएं। मैंने आपको अच्छे से बताया पूर्णांक क्या होते हैं कि भाई मार्कर का जो एग्जांपल दिया था वो पूर्णांक के लिए दिया था, ठीक है। जो भी प्लस की संख्याएं हैं, जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, जीरो है, वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। एग्जांपल भी अच्छे से लिख रखा है, आप नोट कर लीजिए। फिर पूर्णांक जो है वो भी दो प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं एग्जांपल के साथ लिखी हुई है, और मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वह प्रकृति से प्राप्त होती है, इसलिए एक से स्टार्ट हुई। फिर जीरो जो बाद में आया इसलिए मैं उसे, जीरो आने के बाद संख्या पूर्ण हुई इसलिए उसको पूर्ण संख्या कहती है जो जीरो से स्टार्ट होती है एग्जांपल के साथ। अब जो यहाँ जगह ली थी मैंने प्राकृतिक संख्या को आगे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, सम और विषम, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। मैंने इनको अलग अलग आपको बताया है कौन सी किस जगह, जैसे कि एग्जांपल के साथ मैंने लिखा है वह संख्या जिसमें खुद का, स्वयं का और एक का भाग जाता है वह अभाज्य संख्या होती है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड यही होगा एक के साथ और स्वयं के साथ, ठीक है। भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक और स्वयं का तो जाता ही जाता है भाग, बट उसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भी जाता है, मीन्स तीसरा गुणनखंड भी उसका हो सकता है, वह भाज्य संख्या होती है। सम संख्या जिसमें दो का भाग जाता है वह सम संख्या होती है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता वह विषम संख्या होती है। याद रखने की बात यह है कि सबसे छोटी, अब क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, ये तो ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। मैंने आपको वहां भी बताया था, नोट को यहां भी बताता हूं, नोट डाल लो ये चीज कि एक जो है एक वह न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार से भी कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये अच्छे से इसमें कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम मिलते हैं किसी अलग एक, इसी को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, किस हिसाब से इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।